अगर 21 तारीख तक दिल्ली पुलिस इसी अंधेरे के रुख को बरकरार रखती है, दिल्ली पुलिस इसी तरह आंख मूंद लेती है, कानून इसी तरह मजबूर नजर आता है और कानून इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह की चौखट पर घुटने टेक देता है, तो 21 तारीख के बाद अगर उन्होंने अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को उतार दिया तो अब सवाल जाहिर तौर पर है प्रधानमंत्री से होगा। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, यह आज की खबर है, अगर आपका कैमरामैन दिखा पाए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और कह रहे कांग्रेस देश में बची नहीं। दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भी वही लोग कह रहे हैं कांग्रेस देश में बची नहीं और ये भी वही लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, तो इसका मतलब कांग्रेस है या नहीं है पहले ये तय कर ले। सवाल में बदलाव कहां आया जब ब्रजभूषण सिंह ने ये कह दिया कि मैं इस्तीफा तब दूंगा जब मोदी जी कहेंगे? इसका मतलब मोदी जी को स्टोरी में हम नहीं लाए, मोदी जी को स्टोरी में लेके आए ब्रजभूषण सिंह। कह रहा हूँ मोदी जी आ जाए और साथ में इस बार उनकी पत्नी भी साथ रहे तो देश को अच्छा लगेगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, मोदी जी के आने ना आने से देश के किसानों के हौसले तय नहीं होते। मोदी जी आए उन्हें भगवान लंबी उम्र दे। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महिला पहलवानों का धरना आज लगभग 15 दिन पूरा कर चुका है और हमारे साथ में एक व्यक्ति है जो बहुत फेमस है, ये हमेशा चैनलों पे बेटियों की बात करते, बेटियों के समर्थन में लगातार ये यहाँ पे रह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, मोदी जी बच्चियों की बात करते हैं, इनमें से एक को तो बेटी भी कहा है उन्होंने, थोड़ा दिन सबर कर लीजिए, मोदी जी इनके लिए कुछ करेंगे, तो क्यों नहीं वेट कर पा रहे हम लोग? देखिए, मोदी जी से सवाल था नहीं, बात ब्रजभूषण की थी, दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही थी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कर्नाटक में चुनाव में साहब बिजी। सवाल में बदलाव कहां आया जब ब्रजभूषण सिंह ने यह कह दिया कि मैं इस्तीफा तब दूंगा जब मोदी जी कहेंगे? इसका मतलब मोदी जी को स्टोरी में हम नहीं लाए, मोदी जी को स्टोरी में लेके आए ब्रजभूषण सिंह। अगर उन्होंने अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को उतार दिया तो अब सवाल जाहिर तौर पर है प्रधानमंत्री से होगा। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, यह आज की खबर है, अगर आपका कैमरामैन दिखा पाए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इसमें आज की खबर को अगर आप गौर से देखिए, सरकार ये योजना बना रही है कि रिपब्लिक डे की जब 2024 की परेड होगी तो उसमें परेड में सिर्फ महिलाएं सम्मानित होगी और महिलाएं सम्मिलित होगी। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर सरकार का ये दोहरा नजरिया है कि परेड में सिर्फ महिलाएं आएंगी तो भाई उन महिलाओं में 3 बेटियां हमारी भी है, ये भी 26 जनवरी 2024 को वही मिलेंगी, क्योंकि किसान भी 26 जनवरी को वही मिला था अगर आपको याद हो। साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं 21 तारीख तक का अल्टीमेटम हमने दिया है, अगर 21 तारीख तक दिल्ली पुलिस इसी अंधेरे के रुख को बरकरार रखती है, दिल्ली पुलिस इसी तरह आंख मूंद लेती है, कानून इसी तरह मजबूर नजर आता है और कानून इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह की चौखट पर घुटने टेक देता है, तो 21 तारीख के बाद आंदोलन दूसरे पड़ाव पर होगा और दूसरा पड़ाव मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, जब दवाई बदलती है तो डोज हैवी रहती है, दूसरी जो डोज होगी वो हैवी मिलेगी। और इस बात पर फिर मैं नजर डालना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नजर नहीं है कि सरकार ने एक इतिहास पिछली 26 जनवरी को किसान आंदोलन के रूप में लिखवाया था, दूसरा आंदोलन का इतिहास क्या हम ही को मौका मिलेगा? और अगर मौका मिलेगा तो हम तैयार हैं 26 जनवरी 2024 को ये हमारी बेटियां लाल किले की प्राचीर से न्याय मांगेगी और इन बेटियों का पक्ष रखेंगी। अरे तो अभी आप लोगों को इंतजार करना चाहिए, मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, वो जब आ जाएंगे तो इसको भी न्याय मिल जाएगा। आप लोग अब FIR जब दर्ज हो गया तो घर चले जाइए, यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? अगर अंधेरी रात में किसी बेटी की सड़क पर इज्जत उछल जाए तो क्या उस देश के प्रधानमंत्री के फ्री होने का इंतजार करेगी? क्या इस देश में इज्जत किराए पर मिल रही है कि 8 दिन का इंतजार कर लीजिए, कमरा खाली हो जाएगा और आपको मिल जाएगा? ये महिलाओं के सम्मान का मामला है। प्रधानमंत्री अगर बिजी है तो क्या प्रधानमंत्री के लिए कर्नाटक जरूरी है कि बेटियां जरूरी है प्रधानमंत्री साफ कर दे? वहां प्रधानमंत्री ने नारा गढ़ा है जय हनुमान का। हम बताना चाहते हैं कि इस देश में सीता का अपमान और हनुमान का सम्मान एक साथ नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री को जान लेना होगा कि बजरंग दो नहीं हो सकते हैं, बजरंग जिसने
आंदोलन जीते हैं, जिसने आंदोलन जीतने की राह पर जो है और जिसने मेडल जीते हैं वो भी बजरंग वही है जिस बजरंग बली ने राम को पार लगाया था। इस बजरंग ने इस देश को पार लगाया है। दो बजरंग, दो रवैये, दो कानून इस देश में नहीं चलेंगे, ये तय है। आपने बोला भी बजरंग बली का नाम आपने लाया, तो क्या गलत का बजरंग दल का अपमान? अभी बोले प्रधानमंत्री बजरंग दल का अपमान मतलब बजरंग बली का अपमान। हाँ, बजरंग दल का अपमान मतलब बजरंग बली का अपमान। किसी दिन फुर्सत मिले तो बैठिएगा, जरा अखबारों के कुछ वो पन्ने खंगाल लेते हैं जो बजरंग दल पर आरोप है। मैं इस बहस को बजरंग दल में नहीं उलझाना चाहता। इस देश ने पिछले 8 सालों में किया ही यही, किसान की बहस छुड़ी तो पाकिस्तान में उलझा दिया, 2019 के चुनाव के मुद्दों की बहस थी तो पुलवामा में उलझा दिया। मैं अपने मुद्दे उलझने नहीं दूंगा। मुद्दा एक ही, ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे कब होंगे, कानून अपना काम कब करेगा? कानून पे भरोसा नहीं है, कानून को अपना काम तो करने दीजिए। कानून को अपना काम 48 घंटे में करना था। कानून का यही रवैया है कि पॉक्सो एक्ट में अगर FIR हो तो 48 घंटे में गिरफ्तारी होगी। उसने नहीं किया, इसलिए हम यहाँ आए, नहीं तो हमें यहाँ होने की क्यों जरूरत थी? मोदी जी कहते हैं कि हम बेटियों की बात करते हैं, मन की बात में भी उन्होंने कई बार जिक्र किया है बेटियों की और तमाम चीजों की, और मन की बात वो करते रहते हैं। और अभी वो जब कर्नाटक चुनाव में भी जी, और उन्होंने तो अपने परिवार को भी त्याग दिया देश के लिए। हाँ, उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, उनका पारिवारिक मामला है। सवाल ये है कि ये हमारा परिवार है और इस परिवार के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। परिवारवाद कर रहे हैं ये लोग। कौन परिवारवाद कर रहा है? जो रेसलर बैठे हैं। हाँ, ये रेसलर परिवारवाद कर रहे हैं। दरअसल यही हम चाहते हैं कि वो जो 7 FIR है उसमें बेटियां अलग अलग समूह से आई हैं, अलग अलग जातियों से आई हैं। वो हिंदुस्तान की बेटियां हैं और समूचा भारत एक साथ यहाँ खड़ा है। ये गवाह वक्त के साथ बनेगा। जब हम जिस तरह किसान आंदोलन के साथ जीत के साथ आगे बढ़े थे, वापस यहाँ से जीत का झंडा लहराते हुए जाएंगे और इस देश की हर बेटी को ये विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले 70 साल में ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। लोग कह रहे हैं अगर ये हिंदू राष्ट्र रहता तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए तमाम लोग आते हैं और वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होता तो लड़कियों के साथ ये व्यवहार नहीं होता। इस पे मैंने आपको बताया ना, इस देश में जब भी मुद्दा उलझेगा, मतलब जब भी उठेगा, उस वक्त हिंदू की बात आ जाएगी, जाति की बात आ जाएगी, हरियाणा की बात आ जाएगी, पंजाब की बात आ जाएगी, खालिस्तान की बात आ जाएगी। हम समझदार हो चुके, 13 महीने की ट्रेनिंग हमारी पूरी है। मुद्दा एक ही रहेगा, ब्रजभूषण सिंह कब सलाखों के पीछे। मोदी जी से पूरा दुनिया कांप रहा है, चाइना भाग गया, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है मोदी जी से। हाँ, जरूर कांप रहा है, चाइना भी कांप रहा है, पाकिस्तान भी कांप रहा है। खबर तो ये भी है कि मोदी जी ने एक दिन यूक्रेन फोन किया और पुतिन को कहा कि 2 घंटे के लिए युद्ध को रुकवा दीजिए। बिल्कुल मान लीजिए मोदी जी ने 2 घंटे युद्ध रुकवा दिया था, स्टार्ट क्या वो मोदी जी के फोन से ही हुआ था? इस बात का सस्पेंस है। आपके मीडिया के पास खबर हो तो जरूर दुनिया को बताना कि स्टार्ट किसने कराया था। दूसरी बड़ी बात मैं और भी बता देता हूँ, इस देश में पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, हमें इस बात से मतलब नहीं। भारत जिस वक्त G20 जैसे शरीके देशों की अध्यक्षता के तौर पर मीटिंग होस्ट कर रहा है, उस वक्त इस देश की बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने ओलंपिक जैसे बड़े खेल में मेडल्स जीते हैं, वो सड़क पर न्याय मांग रही है। ये विश्व की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। 2014 के बाद भारत में सबका साथ सबका विकास हुआ है, राम मंदिर से ताले खुल गए, धारा 370 हट गया, लोगों को अनाज मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अग्निवीर योजना आ गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? 2014 के बाद इस देश में सबका साथ सबका विकास हुआ, लेकिन कपड़े देखकर आदमी पहचान लेते हैं, इस नारे के छप्पर तले हुआ। 2014 के बाद इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया, इस तरीके से मिल गया कि 2019 में जब NSSO की रिपोर्ट आई कि 45 साल में बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा है, वो दबा दी गई। 2014 के बाद इस देश में सबको फ्री अनाज मिल रहा है, लेकिन इसी दिल्ली से खबर आती है कि 3 बेटियां एक रिक्शा वाले की भूख से मर गई क्योंकि उसकी रिक्शा चोरी हो गई थी। 2014 के बाद इस देश में हर महिला को गैस सिलेंडर पर खाना बनाना था, लेकिन इत्तेफाक देखिए सिलेंडर खाली हो गया, उसके ऊपर बैठकर खाना चूल्हे पर बना रही है। ऐसा देश चल रहा है, इन बातों पर बात होगी, लेकिन अभी मुद्दा एक ही है कि इन बेटियों को न्याय कब मिलेगा। बहुत बड़ी सच्चाई है। आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये सारी चीजें होगी, लेकिन 2014 के बाद ही भारत अपना नाम विश्व पटल पे रोशन कर रहा है जी। 2014
2014 से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सपेरों का देश था। मान लेते हैं साहब आपकी बात सर माथे कि भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं था जहां एक मंत्री का बेटा किसानों को जीप से कुचल दे। भारत ऐसा देश नहीं था जहां ओलंपिक मेडलिस्ट बेटियों को 15 दिन से सड़क के फुटपाथ पर बैठकर न्याय मांगना पड़े। ऐसा देश भारत कभी नहीं था। ऐसा देश है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सोचना होगा। गृह मंत्री बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 2024 में प्रधानमंत्री आएंगे, हर घर मोदी, घर घर मोदी, लोग नारे लगाएंगे। मैडम एक बात समझ लीजिए, हम किसान लोग हैं, हमने 13 महीने पहले आंदोलन किया, इसी मोदी सरकार में किया। आंदोलन उम्मीदें सत्ता और सियासत से नहीं चलते, हौसलों से चलते हैं। 2024 में मोदी आए, 2029 में मोदी आए, और मोदी जी अमर का घूंट पीकर अमर हो जाए इस सत्ता पर, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ताधीश कौन है। तीन बैरिकेड लगा दिया गया है, किसानों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। मैडम ये तो बैरिकेडिंग है, छोटी चीजें हैं। हमारे ट्रैक्टरों के सामने गड्ढे खोद दिए गए थे और हमारा हर ट्रैक्टर हवाई जहाज बन करके गड्ढों के पार उड़ करके दिल्ली आके बैठ गया था। वो उन ट्रैक्टरों को उड़ना आ गया। अब ट्रैक्टर जब उड़ते हो तो इस देश में किसान और किसान की बेटियों के सम्मान को कोई उछाल नहीं सकता, ये हम यहाँ से तय करके जाएंगे। अच्छा तो आप लोग लड़ेंगे, कह रहे हैं किसान उग्र हो रहे हैं। भाई किसान तो एक कौमी उग्र है, मिट्टी के साथ उग्र होती है तभी उसको उखाड़ पाती है, नहीं तो मिट्टी उखड़ जाएगी क्या। अरे मिट्टी को अगर वहाँ फसल उगानी है तो मिट्टी को पलटना पड़ता है, बिना उग्रता के क्या वो पलट जाती है क्या। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस देश का किसान गांधी को दिल में बसाए हुए गांधीवाद के रास्ते पर न्याय लेता रहा है और आगे भी लेता रहेगा, ये हम तय कर चुके। लोग जातिवाद कर रहे हैं और इन लोगों को फंडिंग मिली है, कांग्रेस पार्टी इनके पीछे है। वो मैडम अकाउंट हमें बताओ, उसमें निकलवा तो लेंगे, यहाँ भंडारा भंडारा चलाना हमको। मैडम उस अकाउंट का नंबर बता देना, हम पैसा निकलवा के भंडारा चलवाना, हमें भंडारा लगवा देंगे हम। कह रहे ना जी किसके पीछे बोल रहे, कांग्रेस है। किसके पीछे, किसके पीछे? ये लोग जी यहाँ पे धरने पे हैं, पीछे कांग्रेस। और कह रहे कांग्रेस देश में बची नहीं, दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये भी वही लोग कह रहे हैं कांग्रेस देश में बची नहीं, और ये भी वही लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, तो इसका मतलब कांग्रेस है या नहीं है पहले ये तय कर ले। और मैडम सुनो, फंडिंग मोदी जी आएंगे या नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी आ जाए, साथ में इस बार उनकी पत्नी भी साथ रहे तो देश को अच्छा लगेगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, मोदी जी के आने ना आने से देश के किसानों के हौसले तय नहीं होते। मोदी जी आए उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, संघर्ष यूं ही चलेगा, यूं ही चला था यूं ही चलता रहेगा। फंडिंग आंसर दे आपको, आपको पता है आप दिल्ली में हो अभी। और सुनिए ना एक मिनट, आप ना और ये हरियाणा के किसान है, सरदार आए हैं, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। आप कभी जाना? कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ महाराष्ट्र से। आप ना कभी सामने जाना, और यहाँ पे ना एक गुरुद्वारा है, पता है कौन सा गुरुद्वारा? वहाँ लगा दीजिए। आप जो लोग बोल रहे हैं फंडिंग की बात, तो सामने में हमारे लिए गुरुद्वारा है बंगला साहेब, वहाँ रोज 12,000 से 15,000 लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं, बैठाल के सेवा करते हैं। हम किसान है भैया, हम उगाना भी जानते हैं और उखाड़ना भी। हम लोगों को फंडिंग करते हैं, हमारे पैसे से ये देश चलता है। हमें किसी के भीख में पैसे नहीं चाहिए, हमें फंडिंग की जरूरत नहीं है। अबे मोदी के गवर्नमेंट को फंडिंग हम करते हैं, कैसे? तो हमारे टैक्स से हम देते हैं, GST हम भरते हैं, हर चीज़ हमारे। जहाँ बच्चे जॉब करते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई किसान का बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है ना, तो वो भरता है टैक्स, इनकम टैक्स, तब जाके। हमें किसानों को फंडिंग जरूरत नहीं है, ये पार्टी को फंडिंग की जरूरत है, समझे? आके देख लीजिए, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। तो सुनिए ना भैया, आप जहाँ जहाँ मोदी सरकार है ना, पहले सुनो, 2014 में मोदी की सीटें कितनी आई थी, कितनी आई थी? हाँ 300+ थी ना। और 2019 में 284 पे कम हो गई। अब जो यानी कम का रास्ता आ चुका है, अब इस बार शायद 250 के भी नीचे आए, चाहे बहुमत ना मिले और हमें एकदम से 250 के नीचे आ जाए, बहुमत ना मिले, समझ रहे हो? क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा इन लोगों को?
देखो न्याय तो भैया हम किसान लोग हैं, 13 महीने वहाँ लड़के आए हैं, हमें न्याय तो मिलेगा 100%, क्योंकि हम मानते गांधी जी को, हम मानते बाबा साहब को, हम मानते भगत सिंह को। अभी हमने कानून तक गए, हमने बाबा साहब को कानून पे भरोसा नहीं, नहीं हम कानून तक गए ना तो बाबा साहब को फॉलो किया, हमने यहाँ पे धरना दिया तो गांधी जी को फॉलो किया। अगर ये दोनों चीजों से बात नहीं बनेंगी तो भगत सिंह को फॉलो करेंगे, और भगत सिंह का एजेंडा सबको जानता था कि भैया अंग्रेजों को हमने कैसे भगाए थे ना, तो न्याय वैसे ही मिलेगा हमें फिर भगत सिंह से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि युवाओं में कितना रोष है, युवा जो है किस प्रकार से न्याय के लिए, लड़कियों के लिए, रेसलर के लिए यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, कब तक यूं ही देश का जो गौरव है उसको, उस गौरव को बढ़ाने वाली महिलाओं को कब तक न्याय मिलेगा? पूरी खबर पे आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में।